आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, ये 2014 में जितना वादा इन्होंने किया एक भी वादा को पूरा नहीं किया। एक इंटरव्यू में भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि अरे चुनाव में बहुत जुमला कहा जाता है, तो जुमला नहीं। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में 17 वर्षों तक शासन किया, कोई जुमला नहीं चलाया। नीतीश कुमार जी कभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। देश में दिखने की बात की जा रही है, क्या मतलब? देश में दिखने का आपका नजरिया, जो जिस नजरिए से आप देख रहे हैं, वो देश को देखने का नजरिया नहीं है। लक्ष्य बहुत बड़ा है, आप बड़े लक्ष्य को बहुत ही छोटे दायरे में सोच रहे हैं। लक्ष्य बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध सभी पार्टियों को एक मंच पर लाना, एकजुट करना और एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना, ये लक्ष्य राष्ट्रीय देखेगा। कल जो 3 दिन का आप लोग का राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक होने वाली है, जो आप लोग का, तो इसमें क्या ये भी मसला रहेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर आपके जो नेता हैं नीतीश कुमार, जो सीएम हैं, वो कैसे राष्ट्रीय स्तर पर जाए, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर भी वो देखे जाए? फिर आप उसको ला के वहीं सीमित सिमट दी। अभी जो हमने कहा कि बड़े लक्ष्य को आप बहुत छोटे लक्ष्य में नीतीश कुमार जी कभी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, ये आप लोगों के दिमाग की उपज है और आप लोग इसको चला रहे हैं, पता नहीं किस एजेंडा के तहत चला रहे हैं, क्योंकि आपका भी चैनल है, वो एक एजेंडे के तहत चल रहा है। प्रकाश, हम लोग उसको देख रहे हैं। तो इसलिए प्रकाश जी, आपका भी जो चैनल है उसका भी हम लोग देख रहे हैं, उसको भी हम लोग वाच कर रहे हैं। लेकिन किस तरह चल रहा है, कोशिश, कोई कोशिश नहीं है। अरे केसीआर आ रहे हैं तो सबों को एकजुट होने का मतलब कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। सबों को एकजुट करने का मतलब है कि सब विपक्षी सभी पार्टियां एक मंच पर एकत्रित हो और सामूहिक रूप से एकत्रित होकर। यही सवाल है ललन जी कि क्या ये जो आप लोग ये बैठ के तब तय करेंगे? हाँ, मेरा ही सवाल है कि ये जो जेडीयू का जो होने वाला है, इसमें क्या इस तरह के प्रस्ताव पर चर्चा होगी, राजनीतिक बहस होगी कि कैसे देश? तो जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य है वो आएंगे, उनकी भी राय सुनी जाएगी, उनके परामर्श उनका लिया जाएगा, उनके विचार भी सुने जाएंगे और उसके बाद जो फैसला हुआ होगा। लेकिन पार्टी का स्टैंड बहुत साफ है कि नीतीश कुमार जी पूरे देश के जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको एक मंच पर लाने का प्रयास करेंगे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, ये आप लोगों के दिमाग की उपज है। सभी विपक्षी पार्टियां बैठ के तय करेंगी कि कौन मोदी जी के खिलाफ चेहरा। इसलिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, ये 2014 में जितना वादा इन्होंने किया एक भी वादा को पूरा नहीं किया। और बाद में हम लोगों ने देखा कि एक इंटरव्यू में भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि अरे चुनाव में बहुत जुमला कहा जाता है, वो भी वीडियो है, तो जुमला नहीं। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में 17 वर्षों तक शासन किया, कोई जुमला नहीं चलाया। जो वादा उन्होंने किया जनता से, एक एक वादा को उन्होंने पूरा किया। 2015 के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को कहा 7 निश्चय लागू करेंगे और सभी 7 निश्चय लागू है और लगभग सभी 7 निश्चय के काम पूर्ण हो चुके हैं। तो इसलिए हम लोग जुमला में, तो इसलिए ये कहा गया है कि जुमला नहीं, हकीकत चाहिए। सर, ये भी